हाँ हेलो, नमस्कार दोस्तों, मित्रों, साथियों और सहेलियों। आज हम लोग मानव जनन में अगले भाग को देखेंगे। आज का टॉपिक है मादा जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक, तो चित्र यहाँ बना हुआ है, इसमें देखिए दिखाई दे रहा है। हाँ जी, तो ये जो संरचना है इसको कहते हैं ओवरी अंडाशय, यही मादा का मुख्य जनन अंग होता है। अब ओवरी से एक ठो इधर देखिए पतली नलिका जुड़ी हुई है, इस नलिका को कहते हैं अंडवाहिनी। अंडवाहिनी बीच में इस मोटे से भाग से जुड़ी है, इसका नाम है गर्भाशय। गर्भाशय में ही आगे की तरफ ये गर्भाशय का ही अग्रभाग ग्रीवा कहलाता है। ग्रीवा देखिए बाहर की वे, ग्रीवा से आगे का जो भाग है वो है वेजाइना। वेजाइना को हिंदी में योनि कहते हैं। तो ये देखिए, और ये जो बनाया गया है ये है बाह्य जननांग, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो अब देखिए ये नाम लिख दिया गया है। अगर हम मादा जनन तंत्र को विस्तार से पढ़ें तो देखिए जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसको भी तीन भागों में बांटा गया है। तो अगर ये बन गया हो तो इधर वाला आधा मिटा दें, लिखने में आसान रहेगा। चलिए, पहले अच्छा नहीं, चलिए तीन भागों में बांटा गया इसको। तो पहला जो है इसे कहते हैं प्राथमिक जननांग, प्राथमिक जननांग। दूसरा सहायक जननांग और तीसरा सहायक जनन ग्रंथि। यही तीन भाग हैं। प्राथमिक जनन अंग में आता है ब्रीसड़ कहाँ, मादा नर जनन तंत्र याद आ रहा है। इसमें आएगा अंडाशय, क्या आता है अंडाशय। और इसमें आएगा अंडवाहिनी, अंडवाहिनी को फलोपियन नलिका भी कहते हैं। अंडवाहिनी के बाद फिर आ गया गर्भाशय, गर्भाशय के बाद ग्रीवा, फिर अगला है वेजाइना योनि, और अगला है बाह्य जननांग, ये वाला पूरा बाह्य जननांग। बाह्य जननांग को अंग्रेजी में एक्सटर्नल जेनिटेलिया कहते हैं, या इसी का नाम भग उल्वा भी है। अब इसके बाद सहायक जनन ग्रंथि में देखें तो इसमें दो ग्रंथि है, बर्थोलिन और पेरिनियल ग्रंथि, पेरिनियल या पेरिनियल ग्रंथि कहते हैं। एक ग्रंथि और होती है स्तन ग्रंथि, तो वो यहाँ नहीं पढ़ना है, वो दुग्ध श्रावण के समय पढ़ाया जाएगा। तो देखिए जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है या आर्गन है उसको तीन भागों में बांटा गया। सहायक प्राथमिक जननांग ऐसे जननांग जो युग्मक का निर्माण करते हैं, वह युग्मक यानी वही शुक्राणु और अंडाणु। तो ये मादा का है तो इसमें अंडाणु बनेगा, तो जो युग्मक का निर्माण करे वो क्या कहलाता है प्राथमिक जननांग, और जो निषेचन की क्रिया में सहायता प्रदान करे वो कहलाते हैं सहायक जननांग, और अगर यही काम ग्रंथि करे तो वो कहलाती है सहायक जनन ग्रंथि। तो यही तीन भागों में बांटा गया। अब इसमें से एक एक को एकदम विस्तार से पढ़ते हैं। तो चलिए, इसमें पहला जो है अंडाशय, अंग्रेजी में ओवरी। पहला जो है ये ओवरी, ओवरी को हिंदी में अंडाशय कहते हैं। इसकी लंबाई होती है 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई होती है 2 सेंटीमीटर, मोटाई होती है 1 सेंटीमीटर, भार यानी वजन होता है 3 ग्राम, संख्या होती है 1 जोड़ी यानी कि 2 या 1 जोड़ी, और इसकी स्थिति होती है, देखिए गर्भाशय के दोनों तरफ है तो श्रोणि मेखला में गर्भाशय के दोनों तरफ पीछे की ओर। ठीक, स्थिति कहाँ है, श्रोणि मेखला में, श्रोणि मेखला पेल्विक गिर्डल में गर्भाशय के दोनों तरफ, गर्भाशय के दोनों तरफ पीछे की ओर।
पीछे की ओर। ठीक, देखिए ये जो जुड़ा है गर्भाशय, ये अंडाशय इस नलिका द्वारा जुड़ा है गर्भाशय से, तो इसको कहते हैं ओवेरियन लिगामेंट, अंडाशयी अर्ध स्नायु। और इधर वाला जो भाग, अब इधर भी अंडाशय शरीर से जुड़ा रहता है, यानी कि उधर गुहा में इधर वाले भाग से जुड़ा रहता है, तो इसको कहते हैं मीजोवेरियन। तो इधर वाला अंडाशय का भाग जो जुड़ा रहता है इसको कहते हैं मीजोवेरियन। ठीक, अंडाशय का कार्य अगर देखें तो इसका काम है अंडाणु का निर्माण करना, अंडाणु निर्माण। ठीक, और दूसरा काम इसका है मादा हार्मोन का श्रावण करना, मादा हार्मोन। मादा हार्मोन में आता है प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। महिला के अंदर यानी कि लड़कियों के अंदर अंडाणु निर्माण की क्रिया 12 से 13 की उम्र में होता है, मासिक धर्म भी इसी उम्र में इसी समय में शुरू हो जाता है। तो ये अंडाशय के बारे में था, अंडाशय के कार्य ये थे, अंडाशय के बारे में ये जानकारी थी। अगला जो हेडिंग है अंडाशय के बाद देखिए क्या है, अंडवाहिनी। ठीक, तो अगली हेडिंग लिख लीजिए अंडवाहिनी। अंडवाहिनी ओबीडक्ट, तो देखिए इसको फलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, फलोपियन ट्यूब, हिंदी में फलोपियन नलिका। इसकी जो लंबाई होती है वो होती है 10 से 12 सेमी। ठीक, इसकी लंबाई 10 से 12 सेमी, तो ये लंबा होता है, पतला होता है और कुंडलित होता है। कुंडलित मतलब थोड़ा मुड़ा रहेगा। तो इसको निम्न तीन भागों में बांटा जाता है, देखिए ऐसे करके, ऐसे है ये, ऐसे है, तो इधर वाला भाग जो ऐसे निकला हुआ है इसको कहते हैं फिम्ब्री, इसको फिम्ब्री, और ये वाला भाग कहलाता है फनेल, और ये भाग है इसका एम्पुला, ये भाग कहलाता है इस्थमस, इस्थमस। ठीक, यानी कि अंडवाहिनी निम्न तीन भागों में बटी रहती है। तो इसका जो अंडाशय से जुड़ा हुआ भाग है ये कीप का, कीप के आकार का होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, फनेल, या इसी को इनफंडिबुलम भी कहते हैं, इनफंडिबुलम। ठीक, यह कीप के आकार का होता है, अगर इसको ऐसे आगे से दिखाएं तो ये ऐसे ऐसे दिखाई देगी, तो ये जो बगल बगल निकले हुए हैं इनको कहते हैं प्रवर्ध। ठीक, और बीच में एक ठो छिद्र होता है इसको कहते हैं आस्टियम। तो फनेल के चारों तरफ प्रवर्ध निकले होते हैं और मध्य में एक छिद्र होता है, उस छिद्र को कहते हैं आस्टियम। अब इसका दूसरा भाग देखें तो पहला फनेल था वो खत्म, दूसरा है एम्पुला। देखिए एम्पुला अंडवाहिनी का मध्य भाग होता है और यह मुड़ा होता है, यह देखिए एम्पुला फनेल को इस्थमस से जोड़ता है। ठीक, अगला जो हेडिंग है वो है इस्थमस। तो यह अंडवाहिनी का वह भाग जो गर्भाशय से जुड़ा रहता है वो क्या कहलाता है, इस्थमस। यह एम्पुला को गर्भाशय से जोड़ने का कार्य करता है। तो अगर अब अगला कार्य देखते हैं इसके, अंडवाहिनी या फलोपियन नलिका का कार्य, तो हेडिंग है कार्य, फलोपियन नलिका के कार्य। तो देखिए यहाँ बनेगा अंडाणु, तो अंडाणु जाएगा इसमें, तो ये पहला तो अंडाणु को गति कराता है, अंडाणु को गति कराता है। ठीक, देखिए शुक्राणु के पास तो पूंछ होती है तो हिला डुला कर गति कर लेता है, अंडाणु के पास पूंछ नहीं होती, बेचारी ठीक है, बेचारा नहीं, तो वो गति नहीं कर पाता, तो ये कहता है काहे टेंशन लेते हो, डोंट वरी आई कैन हैंडल, तो तुमको गति करा देता है। इसमें छोटे छोटे अंदर प्रवर्ध होते हैं, तो जहाँ अंडाणु रहता है वो भाग धंसा रहता है,
फिर बीच पीछे वाला भाग उठ जाता है, वो आगे पहुंच जाता है, फिर जहां है उठ जाएगा और आगे पहुंच जाता है, क्या इस तरह गति करता है, टिकटिक टिकटिक। दूसरा है ये अंडाणु को पोषण प्रदान करता है, अंडाणु को पोषण, और ये पोषण जनन होने के पहले तक ही प्रदान, जहाँ निषेचन की क्रिया हुई तो पोषण बंद, तो निषेचन तक, निषेचन के पहले तक ये अंडाणु को पोषण प्रदान करता है, कहता है लो 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 खा पी के अपना ऐश करते रहो। अब तीसरा, ये निषेचन के लिए स्थान प्रदान करता है, निषेचन के लिए स्थान प्रदान करता है। जो निषेचन की क्रिया होती है वो एम्पुला में संपन्न होती है, तो एग्जैक्ट जो स्थान होता है वो होता है एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन, यानी कि ये है इस्थमस, ये है एम्पुला, तो दोनों के मध्य में यहाँ होगा निषेचन की क्रिया, इधर से अंडाणु रहेगा उधर से शुक्राणु आएगा, तो निषेचन वहीं हो जाएगा। ठीक, चौथा कार्य देखें तो ये शुक्राणु को आने के लिए रास्ता प्रदान करता है, शुक्राणु को रास्ता प्रदान करता है, ये फलोपियन नलिका का कार्य है। अगला हेडिंग लिख लीजिए गर्भाशय, अगला हेडिंग गर्भाशय यूटेरस, तीसरा यूटेरस। तो देखिए यूटेरस की लंबाई होती है 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई होती है 2.5 सेंटीमीटर, इसका व्यास होता है 5 सेंटीमीटर, ठीक, और आकार इसका होता है नाशपाती जैसा, नाशपाती जैसा, ठीक, नाशपाती जैसा। देखिए जो गर्भाशय है ये निम्न तीन भागों में बटा होता है। गर्भाशय का जो ये ऊपरी वाला भाग है ये कहलाता है फंडस, फंडस, ठीक। तो गर्भाशय निम्न तीन भागों में बटा होता है, पहला है फंडस, यह फंडस हेडिंग लिखकर उसमें लिखेगा, यह गर्भाशय का ऊपरी भाग होता है जो गुंबद का त्रिकोणाकार होता है और गुंबद के आकार होता है, अंडवाहिनी इसी से जुड़ी रहती है। ये जो मध्य भाग है ये शरीर बॉडी कहते हैं, तो पहला क्या था फंडस और दूसरा क्या है बॉडी काय। तो देखिए यह गर्भाशय का मध्य तथा मुख्य भाग होता है। तीसरा है ग्रीवा सर्विक्स, ठीक। तो गर्भाशय का निचला भाग संकीर्ण होता है, संकीर्ण यानी कम चौड़ा, वही उसी को कहते हैं ग्रीवा, ग्रीवा वेजाइना में खुलता है। तो देखिए ग्रीवा में ही एक ठो पतली नलिका है, उसको कहते हैं सर्विक्स कैनाल, ठीक। यह शुक्राणु को गर्भाशय में पहुंचाता है, पहले शुक्राणु आएगा वेजाइना में, वेजाइना से वो जाएगा सर्विक्स कनाल में, तो सर्विक्स कनाल से गर्भाशय में। अब अगर गर्भाशय का कार्य, अगला हेडिंग है गर्भाशय का कार्य, तो इसका कार्य केवल एक ही होता है, भ्रूण का परिवर्धन, भ्रूण का परिवर्धन। देखिए जब शुक्राणु अंडाणु परिवर्धन यानी कि विकास या विकास डेवलपमेंट उसका करता है, जब शुक्राणु अंडाणु मिल जाते हैं तो बनता है जाइगोट, जाइगोट में ही क्लीवेज होता है, धड़ाधड़ विभाजन होता है, क्लीवेज कहते हैं उसको, फिर वहाँ से यहाँ आ जाता है और अब भ्रूण बन जाता है, क्या बनता है भ्रूण। अगर बच्चा पेट में है तो उसको कहते हैं, हाँ पेट में नहीं गर्भाशय में, लोग कहते हैं बच्चा पेट में रहता है, पेट में नहीं रहता, वो कहाँ रहता है गर्भाशय में। तो बच्चा अगर बच्ची अगर गर्भाशय में है तो उसको कहेंगे भ्रूण एम्ब्रियो, जैसे ही गर्भाशय से बाहर आ जाएगा उसको शिशु कहेंगे चाइल्ड, ठीक। तो कार्य ये था। अगला जो हेडिंग है वह है वेजाइना, तो अगली हेडिंग वेजाइना योनि, तीसरा, अच्छा तीसरा सर्विक्स हो गया, अगला है वेजाइना। तो देखिए वेजाइना की लंबाई वही 7.5 से 10 सेमी, तो इसकी लंबाई होती है 7 से 10 सेमी, कहीं कहीं 7.5 सेंटीमीटर भी रहता है, इसकी लंबाई होती है 7 से 10 सेमी। सर्विक्स खुलता है वेजाइना में, तो वेजाइना को जन्मनाल भी कहते हैं, जन्मनाल, बर्थ कैनाल, जन्मनाल, बर्थ कैनाल। कारण क्या है, जो भ्रूण का भ्रूण इसी द्वारा बाहर निकलता है, इसीलिए इसे जन्म नाल कहते हैं, ठीक। देखिए इसका कार्य अगर देखें तो शुक्राणु को ग्रहण करना, शुक्राणु को अंदर पहुंचाना
ये किसका काम होता है? वेजाइना का, ठीक। इसी द्वारा यूरिन भी बाहर निकलता है। तो अगला जो हेडिंग है वो है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, बाह्य जननांग। ये जो पूरा भाग है यही कहलाता है बाह्य जननांग। अच्छा, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया लिख दे रहे हैं, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया हिंदी में बाह्य जननांग, इसको भग उल्वा भी कहते हैं। तो इसका अन्य नाम क्या है? उल्वा या भग कहते हैं। अच्छा, उल्वा भी यू भग, ठीक। देखिए, इसके अंतर्गत बहुत सी संरचनाएं आती हैं। अब बहुत सी संरचनाओं में पहला जो, ये देखिए, जो बाहर का भाग होता है ये ऐसे, इधर का मान लीजिए ये, और तो यहाँ का जो भाग होता है ऐसे करके रहता है, और इधर ये, यहाँ छोटे छोटे हेयर होते हैं, और अंदर भी एक ठो संरचना रहती है, और इधर वाला भाग ऐसे, यहाँ एनस। तो देखिए, पहला इसमें बाह्य जननांग में निम्न भाग होते हैं, निम्न संरचनाएं होती हैं। पहला है प्यूबिक हेयर या मोन्स प्यूबिक, पहला है मोन्स प्यूबिक। तो देखिए, ये वेजाइना का ऊपरी भाग, ये गद्दीदार भाग होता है, इसमें बहुत छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं, उन बाल को कहते हैं प्यूबिक हेयर। और ये जो भाग है मांसल भाग होता है, ये होता है मोन्स प्यूबिक। अब जो दूसरा भाग है, हाँ, तो चलिए देखिए, वो बाहर वाले बुला रहे थे, घर वाले। तो देखिए, ये बात हो गई मोन्स प्यूबिक की। अब मोन्स प्यूबिक में ही नीचे की तरफ ये जो दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं, ये देखिए क्या है, लाबिया मेजोरा, हिंदी में कहते हैं दीर्घ प्रकोष्ठ। तो दीर्घ प्रकोष्ठ हेडिंग लिखिए, उसमें लिखिए यह दो मांसल परतों से बनी संरचना होती है। ये देखिए, ये जो है, ठीक, इसमें बहुत से बाल पाए जाते हैं, बहुत सी श्वेत ग्रंथियां पाई जाती हैं। इसी के अंदर देखिए, इसी के अंदर ये भग के चारों तरफ है, ये जो एक तो ये छिद्र हो गया और एक तो ये मान लीजिए, तो ये इसी के भग के चारों तरफ, उल्वा के चारों तरफ ये मौजूद हैं। तो इसी के, अब अगला हेडिंग लिख लीजिए, लाबिया माइनोरा, लघु प्रकोष्ठ। तो उल्वा के चारों तरफ एक ठो दो परतों की मांसल संरचना पाई जाती है। दो परत मतलब ऊपर नीचे नहीं, अगल बगल, एक ठो इधर है एक ठो उधर है, तो दो परतों की ये संरचना पाई जा रही है, इसी को कहते हैं लाबिया माइनोरा, लघु प्रकोष्ठ। इसमें बाल नहीं मौजूद होते हैं, कुछ श्वेत ग्रंथियाँ इसमें भी पाई जाती हैं। अब देखिए, जहाँ इसका भाग मिल रहा है, ये ऊपर में, ऊपर की ओर जहाँ इसका भाग मिलता है, इसको कहते हैं क्लाइटोरिस। क्या कहते हैं? क्लाइटोरिस। तो क्लाइटोरिस हेडिंग लिखिए, और इसमें लिखिए कि लाबिया माइनोरा जहाँ पर मिलता है, जिस स्थान पर मिलता है, उसी को क्या कहते हैं? क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस जनन के समय उत्तेजना पैदा करता है, निषेचन के समय ये उत्तेजना पैदा करता है। अब इसी के नीचे ये जो भाग है, इसको कहते हैं हाइमेन, ये वाला जो भाग है, इसको क्या कहते हैं? हाइमेन। तो देखिए, क्या होता है, ये होती है म्यूकस, हाँ, तो इसका जो क्लाइटोरिस और इसको भाग और वेस्टिब्यूल, हाँ, तो देखिए, ये जो भाग होता है नीचे वाला, इस भाग को कहते हैं वेस्टिब्यूल। क्या कहते हैं? वेस्टिब्यूल। तो वेस्टिब्यूल के अधिकांश भाग में एक ठो मांसल परत, म्यूकस की परत, पतली परत पाई जाती है, जिसको कहते हैं हाइमेन। ये क्या है? हाइमेन।
देखिए हाइमेन, अगर मान लीजिए लड़कियां घुड़सवारी कर रही हैं, भाग दौड़ कर रही हैं, योगा व्यायाम कर रही हैं, साइकिल चला रही हैं, तो हाइमेन बहुत पतली सी परत होती है म्यूकस की होती है, ये नष्ट हो जाती है। अब इसी के ऊपर ये देखिए, ये जो ऊपर है इसको कहते हैं यूरेथ्रा का ये ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा यानी यूरेथ्रा का खुला हुआ छिद्र है, इसी के नीचे होता है वेजाइना का छिद्र। ठीक, और कुछ तो इसमें नहीं बच रहा है। हाँ देखिए, ये जो लाबिया माइनोरा है ये वृषण कोष का समझात अंग होता है, मतलब वृषण कोष के समान होता है। और जो ये कहाँ गया क्लाइटोरिस है, ये पुरुष के पेनिस का समझात अंग होता है। ठीक, तो तो अगला हेडिंग लिखिए सहायक जनन ग्रंथि। अगला सहायक जनन ग्रंथि, सहायक जनन ग्रंथि में पहला लिख लीजिए बर्थोलिन, पहला बर्थोलिन, बर्थोलिन ग्रंथि। हाँ कब है, एक मिनट रुको रुको बंद कर दी। हाँ तो अगली हेडिंग थी बर्थोलिन, तो देखिए इसके बारे में देखिए, इसका आकार होता है सेम के बीज जैसा, कैसा सेम के बीज जैसा, और इसकी जो स्थिति होती है वो योनि के पार्श पिछले भागों में होती है लाबिया मेजोरा पर, लाबिया मेजोरा पर। ठीक, और इसकी जो संख्या होती है ये दो होती है, दो यानी कि एक जोड़ी, तो ये पाई जाती है एक जोड़ी इसी के अंदर वाले भाग में। तो ये देखिए इसका कार्य को क्या होता है, ये भाग को यानी कि उल्वा को नमी प्रदान करता है। ठीक, तो उल्वा वाले भाग को ये नम नम बनाए रखता है, उसको नमी प्रदान करता है। और ये होता है पुरुष के बल्बो यूरोथ्रल ग्रंथि के अनुरूप, यानी उसी के समान होता है बल्बो यूरोथ्रल ग्रंथि के। अगला जो हेडिंग है वो है पेरिनियल ग्रंथि, पेरिनियल या पेरेनियल कहते हैं इसको, पेरिनियल ग्रंथि। तो देखिए इसकी स्थिति देखें तो बर्थोलिन के पीछे ही क्या पाया जाता है, पेरिनियल ग्रंथि। बर्थोलिन के पीछे क्या पाया जाता है, पेरिनियल ग्रंथि। इसका कार्य होता है ये एक विशिष्ट गंध वाला रसायन स्रावित करता है, क्या विशिष्ट गंध वाला, विशिष्ट गंध युक्त रसायन। ये जो रसायन है ये निषेचन यानी वही लैंगिक संसर्ग सेक्स के समय उत्तेजना पैदा करता है मादा में। ठीक, तो आज हम लोगों ने समझा मादा जनन तंत्र, तो उम्मीद है मादा जनन तंत्र आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अच्छा स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। ठीक, कैसे बंद है।